हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम अजाद है नदीन। तो यार आज का वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाला है भाई। बहुत कमाल का वीडियो निकल कर आ रहा है। भारतीय ने इंडियन करेंसी में बांग्लादेश में चीजें ली तो भाई पूरे पाकिस्तान में मच गया कोहराम। इंडियन करेंसी में बांग्लादेश में? बांग्लादेश में ये क्या हिसाब है बाबा? ये वॉच करेंगे तभी आइडिया लगेगा, तो जल्दी से पहले वॉच करते देखते आखिर मतलब बांग्लादेश के अंदर इंडियन करेंसी यूज हो रही है। वो तो डाटा का यूज होता है। हाँ, तो कौन ऑन करते हैं स्टार्ट। सो हे गाइस, वेलकम बैक। मैं पिछले एक हफ्ते से बाहर निकला हुआ था और आज मैं अभी बाहर जा रहा हूँ। एग्जाम मेरा चल रहा था। अच्छा। अभी बाहर जा रहा था और निकलते ही मुझे टेबल पे ना इंडियन करेंसी पड़ी हुई थी। मेरे मेरे मतलब ड्रॉअर में इंडियन करेंसी पड़ी हुई थी। तो मैंने सोचा यार आज ऐसे ही बाहर जा रहा हूँ, क्यों ना इस करेंसी को यूज करके देखो। अच्छा। यहाँ पे एक्सेप्ट करते कि नहीं, सेम ही लगता है यार थोड़ा बहुत, तो एक्सेप्ट करते तजुर्बा हो जाएगा ना। तो अभी थोड़ा सा एक रिएक्शन भी हो जाएगा, देखते हैं फिर एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते, एक्सपेरिमेंट ही समझ लो। तो अभी मैं इंडियन करेंसी अगर उन्होंने की तो भाई पाकिस्तान के नोट बहुत गंदा हो गए, किसी को लेके देखते जिसको तुम पाकिस्तान का ऐसा कहते हो। उससे पहले एक काम कर देते हैं, ये जो 500 का नोट है इसको कर देते हैं साइड, बाकी 40 रुपीस है उनको रखते हैं और उनको उन्हीं को यूज करके देखते हैं क्या होता है। अच्छा मैं अभी ले रहा हूँ। हाँ, ये पेप्सी तो इसका रेट है 15 टका रेट है। हमारे ये 70 रुपए। ये जो बंदा है ये तो आप पुरानी वीडियोस में स्टार्टिंग की मेरी वीडियोस में देखा होगा आपने। हाँ, वो तो 15 टका। अच्छा 15 टका। अच्छा मैं अभी इसे 15 टका देता हूँ। लो मम्मा लो, देख रही देख रही। हाँ मामा इटा की के समस्या टकर देखते नीचे के नहीं हाल चलते परे देखो चलाओ नीचे रखो चल बे। लो भाई ले ली। अब इस शॉप के साइड पे बार्बर शॉप है और उसी बार्बर से मैं स्टार्टिंग से हेयर कटिंग करा रहा हूं। क्या बात है यार, मतलब कि चल रहा है वहां पर इंडियन से चाहिए पर उससे भी पूछ लेते भाई, ये पहले ना हो गई है फिर ले ली मामा यार देखी दे। अच्छा ये यार ये टका को तो मैं जाने ना, देखो एटा देखो ना कत टका 20 तो बांग्लादेशी कत है? हां गांधी ना 10 टका है ये बांग्लादेशी इंडियन इंडियन सब एक एक होना। अच्छा देखो अच्छा एक होना से एक होना से ये जाने तुम्हें एडा आप नगर है कौन है राजा 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 हां समझ गए राजा। इसने बंगाली लिखा है से देखो श्रुति लकी लिखा है से 10 टका। हाँ देखो यार देख ये तो बंगाली फिर नोट बंगाली नहीं ना फिर की कर बैठो तो की कर चाहे तो यहाँ पे एक बंदा जहाँ से मैं हमेशा फ्रूट्स लेता हूँ, अब उसके पास चलते हैं यार, जिन लोगों को मैं जानता हूँ उन्हीं के पास चलते हैं। ये बंदा है जिससे मैं हमेशा फ्रूट लेता हूँ। फ्रूट ये दूसरे कस्टमर के साथ अभी डील करा तो अच्छा नहीं लग रहा कि उससे अभी डिस्टर्ब करें, मैंने तो ऐसे ही टाइम पास पाकिस्तान में भी नहीं तो उसके साथ डील करने तो उसके बाद उससे हम बात करते हैं। इसका अभी कस्टमर हाँ चल से ना। अच्छा इसका भी कस्टमर तो निकल गया तो अभी मैं कुछ ले लेता हूँ। अच्छा मामा आज के की खिलाफ है বাংলাদেশি 10 টাকা বাংলাদেশি 10 টাকা জেন্ডা পাতা চল ঠিক ও সাইডে মোড়ো এ কোন জানেন নাম কি? হ্যাঁ বলো নাম কি গান্ধীজি এখানে লিখা আছে দেখো কে লিখা আছে বাংলাদেশ কে কোন আজাদ করেছে শেখ মুজিবুর রহমান বাংলা ভারত মহাত্মা গান্ধী মহাত্মা গান্ধী ওর সাথে অনেক ফ্রিডম ফাইটার ছিল মোদি কে মোদি কে কে মোদি মোদি সরকার ভারতের এখন কেউ হয় না ওকে এর সাথে বলো না ভালো মোদি তো খারাপ ভাই अब मैं इसके बारे में नहीं कुछ बोल सकता, ये बोरा ये वाले अच्छे थे मोदी सरकार अच्छी नहीं है। चलो वो तो अलग बात है। तो अभी चलते हैं यार, अभी रिक्शे पे चलते हैं कहीं मार्केट में चलते हैं फिर देखते हैं क्या होता है, रिक्शे वाला एक्सेप्ट करता है कि नहीं होता है।
अब रख चले देखते हैं ना। जो एक टाइम पे पाकिस्तान का हिस्सा था वहाँ पर। अच्छा अभी रियल वाला सीन होने वाला है। अब तो मैं रियल में रिक्शे पे बैठ गया। पहले तो वो लोग को मैं जानता था, वो सारे दुकानदार उनको जानता था मैं। अब ये जो बंदा है इसको नहीं मैं जानता, मैं रिक्शे पे बैठ गया। अब इसको इंडियन 30 रुपीज दूंगा, देखते हैं अब इसका क्या रिएक्शन होता है। तो अभी चलते हैं शाह बाजार पे, देखते हैं कहीं मारने ना लग जाए मुझे मामा यार। अच्छा प्यारा है। हाँ बंगाला बिना यार ऐसा हो रहा है कि मुझे अंदर से डर भी लग रहा है और थोड़ा एक्साइटमेंट भी बढ़ रही है कि यार अभी मैं शाह बाजार में लगी थी, इस बंदे का रिएक्शन क्या होगा। इंडिया में खत्म हो गया, अभी मैं पैसे मेरा निकाल के सेट करके रखता हूँ। 30 टका इंडियन 30 रुपीज बिल्कुल सही करके रखता हूँ, आपको देता हूँ। लो मामा पूछ रही तो सही बैठ के देता हूँ, देखते हैं क्या करते हैं। अभी कह रहा देखो, अभी शाह बाजार पहुँच गया हूँ मैं, तो अभी इसको रोकते हैं कहीं पे और इसे टका देते हैं। टका वगैरह सब तैयार है, बस अब इसे देना ही है। ये देखो। अच्छा मामा बामे था, बामे था। हाँ भाई इधर रोक। हाँ अब देखते हैं ये क्या करता है। और देख रहा है, देख रहा है, देख रहा है, कुछ बोल तो नहीं रहा है अभी तक। ये वाली जो जगह है ये है शाह बाजार। चाय भी लेते हैं, बोलो यहाँ से चाय लेंगे भाई। एक टेले मुझे चीनी कॉम चाय। ये कावा है चाय, कोई ऐसी बना रहे पहले कावा डाल। अच्छा चाय बन गई। अच्छा कावा है, बांग्लादेशी नींबू चाय ट्राई कर लेंगे। हां नींबू ग्रीन टी। हां की बोलता अच्छा मुंबई दिल्ली ये मतलब कोलकाता याद आ रही है। इंडियन चाय का नाम ले रहा है अमर भाई। भाई एक नहीं रात चाय भाई इनके एक्चुअली बांग्लादेश में ना जो भी ये राजशाही के जो लोग हैं, राजशाही वेस्ट बंगाल के बिल्कुल बॉर्डर पे है। तो यहाँ पे जितने भी लोग हैं मैक्सिमम का मतलब वेस्ट बंगाल में उनके जगह थे, उनके दादा वैरा का घर था। अच्छा तो यहाँ पे उसके बाद हमारा हिंदी हिंदी बोलो तुम्हें हिंदी पूछते पर जो लोग पूछते हैं ना कि बांग्लादेश में हिंदी हिंदी नहीं समझ पाते, ये देख लो ये बंदा बोल रहा है कि मैं हिंदी समझ रहा हूँ। अगर आपके दिल में आया ना कि यार बांग्लादेश में हमें लैंग्वेज बैरियर हो, तो कोई बैरियर नहीं है, काफ़ी लोग समझते हैं। और मैं तो कहता हूँ 70% लोग हिंदी समझते हैं। हल्का बुझो अच्छा अनार का तो उनके साथ रेट है यार, मुझे खुद हिंदी नहीं अच्छा। और संतरा संतरा कितना 200 पेटी और अंगूर 300 का काला। देख लो यार सब कुछ समझ आ रहा है ना, अब ये बंदा समझ आ रहा है। आप देख लो जो बंदा आपको जो पढ़ा लिखा बंदा या कोई भी स्टेशन पे चलते होगा जो भी और बंदा मिलेगा वो तो हर कोई बोल रहा होगा, और सब कुछ इतना कोई बैरियर नहीं है हमें यहाँ पे लैंग्वेज का। अच्छा मामा यार 1 टका को तो ये चलबे एक को तो टका बांग्लादेशी इंडियन
ইন্ডিয়ান 10 টাকা না ইন্ডিয়ান ইন্ডিয়ান আছে হ্যাঁ না এটা বাংলা বাংলাদেশ টাকা না ইন্ডিয়ান টাকা ইন্ডিয়ান 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 নেহরু গান্ধী নাকি নেহরু গান্ধী নেহরু গান্ধী গান্ধী নেহরু গান্ধী কোন নেহরু গান্ধী সমঝ গিয়া ওই নেহরু হ্যাঁ আমার বাবা আমার বাবার বাড়ি হলো আমার বাবার দাদার বাবার বাড়ি হলো এটা মামা এ নেহরু গান্ধী না মহাত্মা গান্ধী মামা নেহরু গান্ধী কে মামা মহাত্মা গান্ধী अच्छा ले लिया भाई अभी बंदे को देते हैं टाटा 10 रुपीज़ देते हैं यहाँ पे 5-7-8 रुपये अच्छा 7-8 रुपये चलो भाई चाय वाले के पास जब देखा भाई कितना देख रही थी नींबू चाय 10 रुपये के लिए ओ ले लिया और वापस नींबू चाय चलो ना क्या जबरदस्त यार देखे लेन देखे लेन चलवे चल रहा है कौन चलवे ना वो चल रहा है भाई ये देखो गले में डाल लिया मेरे भाई इंडियन पता है इंडियन हाँ हमारे चल रहा है भाई हमारे अच्छा मतलब अपने आप एक्सेप्ट करे इंडियन टका थैंक यू भाई हमारे चाय वाले भाई ने यार 10 रुपीज़ इंडियन ले लिए उन्होंने एक्सेप्ट कर लिए साथ में मुझे 2% बांग्लादेशी दिए उनको लग रहा होगा भाई 10 रुपए का पता नहीं मैंने उन्हें अभी बोल भी दिया भाई ये इंडियन है लेकिन यहाँ पे काफ़ी एक्सचेंज वाले होते हैं उन्हें लग रहा होगा भाई एक्सचेंज करा के मे बी इसके 20 रुपये बन जाएंगे 30 रुपये बन जाएंगे उन्हें ये नहीं पता अभी हमारी करेंसी बिल्कुल सेम है कुछ फर्क नहीं 10 रुपए के 10 रुपए ही यहाँ मिलते हैं अरे भाई इधर हुई ये वीडियो खत्म मतलब यार सारे ले रहे हैं इंडियन करेंसी सवाए एक रिक्शे वाले को छोड़कर मतलब तुम कह सकते हो 99% लोग वहां पर इंडियन करेंसी को एक्सेप्ट कर रहा है और पाकिस्तानियों और तुम्हारा हिस्सा था वो और तुम लोगों ने उस हिस्से पे इतने गंदा जुल्म किया कि आज वो हिस्सा अलग बांग्लादेश बना हुआ है उस हिस्से के अंदर भाई देखो आज इंडियन रुपया चल रहा है और यही चीज अगर पाकिस्तान में इंडियन रुपया चलता तो आज हमारे ये भूखों वाले और भाई फकीरों वाले और भूखमंगों वाले हालात ना होते देखो भाई जिसको दे रहा है दुकान में वो ले रहा है हेयर कटर को दे रहा है वो ले रहा है भाई फ्रूट वाले को दे रहा है भाई वो भी ले रहा है आगे रक्षे वाले को नहीं लिए वो उससे नहीं लिए क्योंकि भाई जहर ही बात है हर किसी हर बंदा नहीं समझ सकता ना बिल्कुल लेकिन भाई साहब चाय वाले यार मैं उधर मुझे मजा ऐसा आया है उसने देखा है तो बस ऐसा लिया है चलेगा चलेगा गले में डाल के दो टके वापस भी कर दिया दो टके उसको पता है सब कुछ चल रहा है देखो ना नहीं तो पाकिस्तान में यकीन अगर ये पाकिस्तानी रुपीज होते ना उनको देते पहले तो हमारी सही करके बचाते बंगाली इतना बड़ा दुश्मन है इस टाइम पाकिस्तान का बंदा क्या बोले क्योंकि वो पाकिस्तान को पसंद नहीं करता क्योंकि हम लोगों ने जो उनका हाल किया था पाकिस्तान ने ऐसे करतूत तो नहीं किए उनके साथ ना बिल्कुल उनके जो भी है सबको पता है हिस्ट्री जो उनके साथ हमने काम किए थे ना भाई वो आज उस पर हमें नफरत करते देखो भारतीय वहां पर गया किस तरह मोहब्बत से बातें कर बातें कर रहे थे जैसे फ्रेंडली वहां पे थे दोनों कितना प्यार दे रहे थे ये मुझे आज पता चला ये तो बंगाली बहुत मोहब्बत देने वाले देखो ना उस इंडियन को कितना मोहब्बत दे रहे थे और भाई ये पैसे दे रहा है इंडियन करेंसी की पावर देखो इस दुनिया के अंदर अभी तो भाई देखो बांग्लादेश और इंडिया की ट्रेड भी फाइनल हो रही है रुपये और टके में और आई थिंक वो होना भी शुरू हो गई है और देखो वहां का लोग भी रुपये पे आ गए भाई ये मोदी जी ने सब कुछ किया बाबा कसम से इसका हक सिर्फ अपने रुपये को ताकतवर करना मोदी जी का काम बिल्कुल भाई और कोई नहीं कर सकता ये मोदी जी ने ये काम ये तकरीबन कितने मुल्कों में शुरू हो गया तकरीबन 20 जिनमें से बांग्लादेश एक ये देख और जिसमें से श्रीलंका दूसरा है दूसरा है ये तीसरा है तीसरा है देख ना क्या बना हुआ है वहाँ पर यार हर मुल्क में यूज हो रही है इंडियन करेंसी देखो ना वो खुशी से ले रहे हैं खुशी से लोग ले रहे हैं यूज कर रहे हैं उसको उनको पता है ना इंडिया के रुपये में ताकत है भाई बिल्कुल सही इधर पाकिस्तान ही होता ना को अपना दिल दिखाता वो बोलता अच्छा चपेट मार परे हो तेरा गांव तू क्या दे रहा है तो यार आप लोग बताएं आपके क्या थॉट इस बारे में इधर ही वीडियो खत्म करते तो